सवाल स्टार्ट करते हैं बुक्स ऑफ प्राइमरी का स्क्रीन 2021 में रिसेंट डेटा में हमारे पास मांगा गया इसमें मुझसे प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस फॉर द मंथ एंडेड 28 फरवरी 2021। प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट इज नॉट नेसेसरी। लेजर अकाउंट बनाने में डायरेक्ट सवाल करना। इसने मुझे क्या दी हुई है, बुक्स दी हुई है, सेल्स डे बुक दिया हुआ है, सेल रिटर्न डे बुक दी हुई है और कैश बुक दी हुई है। ये तीन बुक उसने मुझे बना के दी हुई है और नीचे दिया हुआ मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सेल्स डे बुक का टोटल कितना आ रहा है मेरे पास 7,500, सेल रिटर्न डे बुक का टोटल आ रहा है मेरे पास 600, और तीन जो कमन है मेरे पास। इसके अलावा बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरे पास 4,490, और कैश का बैलेंस कितना है मेरे पास 140 है। और क्लोजिंग बैलेंस देखें तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 530 से, और बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है डेबिट साइड पे, मीन्स ये कौन सा बैलेंस हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, लाइबिलिटी हो गई मुझ पर, कितना 352 से। फिर ये बोल रहा है मैं कि ऑल कैश आर मेड एट द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट प्लस 20%। कितने परसेंट में बेचता हूँ मैं कॉस्ट पे 20 में, मार्जिन की बात कर रहा है 20% प्लस पे बेचता है, मीन्स अगर मेरे पास सेल्स दी होगी तो मैं कॉस्ट से निकाल सकता हूँ इजीली। उसके बाद ऑल परचेजेस आर मेड इन कैश, जितनी परचेजेस हैं किसमें हो रही हैं, कैश में हो रही हैं। इसलिए मुझे क्या दिया हुआ है, कोई परचेज डे बुक नहीं दी हुई ना कोई परचेज रिटर्न डे बुक दी हुई है। रिकॉर्ड्स आर मेंटेन यूजिंग द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। कौन सिस्टम से बन रहा है हमारे पास, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम से। ठीक है, फिक्स्ड एसेट हैविंग द बुक वैल्यू रुपीज 225,000 रुपए हैज बीन विदड्रॉन बाय द ऑनर ड्यूरिंग द मंथ। मीन से क्या बन गया हमारे लिए, ड्राइंग बन गई, ऑनर ने निकाल दी। इसकी वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू 225 थी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन दीज एसेट वाज रुपीज 25,000 रुपए। उस एसेट का WDV होती है कितनी थी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी जो निकाली हम लोगों ने 25,000 से। ठीक है, फिर बोल रहा है कि रिसीव चेक फ्रॉम JS ऑन 27 फरवरी 2021 इज डिपॉजिटेड into bank but clear in the March 2021। आगे bank reconciliation की बात, ये means ये जो amount हम लोगों ने debit किया है कितने से, JS से 27 फरवरी को 1300 से, ये bank के अंदर कब clear हुआ है, ये March के महीने में। लेकिन हम bank की बात कर रहे होंगे अभी, यहाँ पे हम bank भाई हमने अपनी book में record कर लिया, timing difference की वजह से ये bank के अंदर record नहीं हुआ होगा। देखिए हमें क्या दी हुई है, cash book दी हुई है हमें, मीन्स कैश में रिकॉर्ड हो गया, बैंक में रिकॉर्ड हो जाएगा, तो मीन्स हमें तो पेमेंट आ गई ना, हम क्या करेंगे इसको रिकॉर्ड करेंगे, मीन्स के कोई इफेक्ट नहीं लेंगे। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं हम लोग, आर डेबिट फॉर रुपीज 10,000 रुपीज अपियरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर बैंक चार्जेस। अच्छा, एक डेबिट बैलेंस है कौन सा, एक 10,000 रुपये का डेबिट बैलेंस, मतलब क्या मैंने विड्रॉ किया होगा पैसा, मीन मेरे बैंक से मेरे बिहार पे क्या हुआ होगा, माइनस हुआ होगा पैसा, डेबिट हो रहा है, किस नाम से डेबिट हो रहा है, बैंक चार्जेस। और ये बैलेंस कहाँ पे अपियर हो रहा है, ये बैलेंस अपियर हो रहा है हमारे पास बैंक स्टेटमेंट के अंदर 10,000 रुपये से, मीन्स क्या ये बैलेंस हमने रिकॉर्ड किया होगा, हमने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, बैंक चार्जेस जो है हमें तो नहीं पता कि बैंक चार्जेस काटेंगे 10,000 रुपये, किसी चीज़ के काटेंगे लेट से फॉर एग्जांपल, तो अब वो 10,000 रुपये जो है मुझे पता नहीं है, तो क्या मेरे पास कैश बुक के अंदर बैलेंस आ रहा होगा बैंक साइड पर, देखो 10,000 से कहीं बैलेंस आ रहा है, कैश बुक का बैलेंस साइड देखो, बैंक साइड देखो, कोई 10,000 से बैलेंस है नहीं है, तो मीन्स ये 10,000 क्या हो, माइनस अभी तक नहीं हुए हमारे पास से, माइनस कब होंगे, मार्च के महीने, ये हमें रिकंस्ट्रक्शन बनानी पड़ेगी, अब रिकंस्ट्रक्शन बनाएंगे पता चल जाएगा कि यार बैंक चार्जेस हमने माइनस नहीं किए थे, लेकिन एक्सपेंस फॉर द ईयर है हमारे पास, इस साल का एक्सपेंस इस साल क्या करूँगा रिकॉर्ड करूँगा, या इस महीने का एक्सपेंस इस महीने रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, तो 10,000 में क्या करना है, बैंक के बैलेंस में ऐड कर लेना, ये मैंने 10,000 क्या करना है, माइनस करने हैं इसे, क्लियर बात। फिर लिखा हुआ है अदर एसेट एंड लाइबिलिटीज, अदर एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑन 1 फरवरी 2021 आर एज एट अंडर। फिक्स एसेट दिया हुआ मुझे कितने से, नेट दिया हुआ मीन्स WDV पे कितना 1,290, जिसमें से कॉस्ट कितनी है मेरे पास, अगर 300 हटा के बात करूँ तो मैं 1500, और ये कितना है 1,290 क्या है मेरे पास WDV। अगर मुझे मालूम करनी है इसकी क्या चीज़, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो कितनी आ रही होगी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे पास, 1500 माइनस 1290 210 से 210। इधर है बात। उसके बाद ट्रेड डेटर्स कितने दिए हुए मेरे पास 1320 से, इन्वेंटरी दी हुई है मुझे ओपनिंग 2400 से, अक्रूड रेंट दिया मुझे 500 से। इस
उसने मुझे लेजर्स नहीं मांगे, मुझे लेजर अकाउंट नहीं मांगा मुझसे, लेकिन फिर भी मैं अपने ब्याह पे क्या करूंगा बना लूंगा ताकि मुझे आसानी हो, कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जो बैलेंसेस हमें दिए हैं उसकी, तो सेल से स्टार्ट करें हम लोग। ये सीरियल नंबर आ जाएगा पहले यहाँ पे, अकाउंट्स नेम, ये अकाउंट टाइटल, डेबिट एंड क्रेडिट, रुपीज इन थाउजेंड, क्लियर है बात। सबसे पहले पे हम बात कर रहे हैं किस पे, सेल्स पे, ठीक है। सेल्स हमने देखी कितनी हो रही है, पहले तो हम देखो सेल्स कितनी हो रही है, मुझे 7500 नीचे एक सेल्स के अकाउंट में ये बैलेंस जा रहा होगा बस 7500 से। क्या कोई कैश में सेल हुई है? अब कैश सेल्स में आते हैं, कैश सेल्स कितने से हो रही है मेरे पास, 7800 रुपये से और 4800 से, वो 480 से और 780 से, 480 प्लस 380, 480 प्लस 780 कितना हो गया बैलेंस मेरे पास, ये 8760, ये 8760 तो क्या आ गई मेरे पास सेल का। सेकेंड नंबर पे क्या है मेरे पास, सेल रिटर्न दी हुई है, सेल रिटर्न कितने से आ रही है मेरे पास, 600 से, और यहाँ पे रिटर्न इनवर्ट दिखा रहा है मुझे कितने से, 1200 से, नीचे पैसे में वापस गए होंगे, और रिटर्न एड और कोई आ रहा है बस सेल रिटर्न वगैरह, ये रिटर्न इनवर्ट 120 से, बस ये 120 से आ रही है, मीन 600 प्लस 120 कितना हो गया मेरे पास, ये 720 से आ रहा है, क्लियर बात मेरे पास। फिर कैशबुक पे आए हम लोग, कैशबुक के अंदर बैलेंस आ रहा है, सबसे पहले मेरे पास कैश का, कैश का कितना बैलेंस है मेरे पास क्लोजिंग 530 से। उसके बाद बैंक का बैलेंस देखेंगे, अब बैंक का बैलेंस कौन सी साइड पे आएगा, ओडी की साइड पे आएगा, लाइबिलिटी की साइड पे, कितना 572352, इसमें से एक बैलेंस माइनस होना चाहिए, अभी ये ऑलरेडी नेगेटिव में, तो एक बैलेंस नेगेटिव और लिख दूँ, मीन 352 सॉरी 352 प्लस 10 कितने से हो जाएगा ये मेरे पास 362 से, क्लियर बात है। तो ये नंबर और लिख दूं मैं, बैंक चार्जेस यहीं पे हाथ किया, एक्सपेंस हुआ है कितने से 10 से, डन। उसके बाद फिर सेल्स हो गई है, सब चीज़ हो गई है, अब परचेज के अकाउंट में अगर मैं आया अगर, तो परचेज में भी क्या चीज़ सही होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहाँ पे अगर परपेचुअल सिस्टम फॉलो करा से नीचे स्पेसिफिकली बोल दिया कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं हम लोग, परपेचुअल सिस्टम, तो मेरे पास क्लोजिंग आएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर और एक कॉस्ट ऑफ सेल आ रही होगी, मीन्स मेरे पास एक कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और एक आ रहा होगा मेरे पास क्या चीज़, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कौन सी, क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आनी चाहिए मेरे पास, सेल्स का अमाउंट तो मेरे पास 8760 से, 8760 कितने बेचता था ये, 20% अबव कॉस्ट पे बेचता है ये, तो 20% अबव कॉस्ट कितनी हो जाएगी। अच्छा लेकिन इसके अंदर कोई मेरे पास सेल रिटर्न वगैरह थी,
से रिटर्न कितनी सारी है, 720 से माइनस कर लूंगा। अब जो अमाउंट होगा ये कितने परसेंट है, ये 120% होगा। मुझे किस पे लेके आना है इसको, 100 पे लेके आना है। अबव कॉस्ट में 20% इसमें ऐड हुआ होगा। कितना आ रहा है, 8760 माइनस 720 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, 6700। 6700 क्लियर है बात में। अब मुझे क्लोथिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है। क्लोथिंग इन्वेंट्री के लिए मैं इन्वेंट्री वर्किंग नंबर वन, ओपनिंग कितने से मेरे पास, ओपनिंग आ रही है 2400 से। कैश परचेज हुई है मेरे पास, अब कैश परचेज हो कितने से रही है मेरे पास। अच्छा लिखा हुआ है इन्वेंट्री नेट ऑफ 2% डिस्काउंट। अब ये 2 कॉलम कैश बुक भी दी हुई है, अब मसला यहाँ पे आ रहा है मेरे पास, ये कौन सी दी हुई है, 2 कॉलम कैश बुक दी हुई है मुझे और इसने नेट ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है। अब ये बताया हुआ नहीं है इसने कि मुझे कैश डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट है। क्या सपोज करोगे, कैश डिस्काउंट कंसीडर करेंगे हम लोग, नहीं हम इसको ट्रेड डिस्काउंट कंसीडर करेंगे। क्योंकि देखो कैश डिस्काउंट जब होता है, जब मैंने एक प्राइस फिक्स कर दी और मैंने बोला कि इसको आप 2 महीने बाद ले लेना, ये अर्ली पेमेंट पर अगर मैंने डिस्काउंट दे दिया जब की बात हो रही है। लेकिन परचेजेस किस पे रहा है, कैश पे कर रहा है ये। जब ये कैश पे कर रहा है तो मुझसे बात करो, आपका दे ही नहीं रहा। जितना डिस्काउंट मिलेगा आपको अभी मिलेगा, कौन सा डिस्काउंट होगा, बार्गेनिंग पे डिस्काउंट होगा, मीन्स ट्रेड डिस्काउंट होगा मेरे लिए। तो मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा मैं या नहीं करूंगा, इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे इनकॉर्पोरेट। मीन्स डिस्काउंट का नाम देगा लेकिन उलझाने के लिए दिया खाली से आपको। तो कितना हो गया आपके पास, 990 प्लस एक ही अमाउंट है हमारे पास और एक इन्वेंट्री का 1200 से और इन्वेंट्री 500 और 2000 से। ओके इन्वेंट्री आ रही है मेरे पास 980 प्लस 500 प्लस 2000 प्लस 1200 इन्वेंट्री और 760 से। ठीक है कितने हो गया टोटल अमाउंट, 5440 ठीक है। तो मैं गया कैश पर देखिए, मैंने 5440 तक बात मेरी। क्या कोई परचेज रिटर्न हो रही है, परचेज रिटर्न भी कहाँ पे आ रही होगी, कैश बुक में आ रही होगी डेबिट साइड पे। तो इन्वेंट्री आ रही है कितने से डेबिट, 300 से हो रही है, 300 तो माइनस कर दूंगा। परचेज रिटर्न 300 से और हमने कॉस्ट ऑफ सेल निकाल चुके हैं ऊपर, कितने सारी कॉस्ट ऑफ सेल 6700 से आ रही थी। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा मेरे पास, आठ सौ चालीस से क्या निकाला हमने, क्लोथिंग बैलेंस निकाला 840। बात क्लियर है। उसके बाद अगर सेल्स डे बुक की बात हो रही है, मीन्स कोई ना कोई डेटा का अकाउंट भी बन रहा होगा, तो 8 पे हम क्या करते हैं, डेटा का अकाउंट बना लेते हैं। कैसे डेटा का, मुझे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये वर्किंग नंबर कौन से कहाँ से निकाली, मैंने वर्किंग नंबर कौन से निकाला। अब अगर मुझे डेटा का अकाउंट दिया, बैलेंसेस दिए हैं इसने मुझे, तो एक अकाउंट बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे डेटा का, वर्किंग नंबर 2 डेटा। ओपनिंग बैलेंस कितना डेटा का, 1320 से। मैंने सेल्स कितने से करी है, 8760 कहाँ लिखा हुआ है, 8760 ये बोल रहे हो। देखो ये सेल्स जो है ना, इसमें कैश सेल्स भी शामिल है और क्रेडिट सेल्स भी शामिल है।
मुझे चाहिए डेटा के अकाउंट में कौन सा बैलेंस जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कोई ग्रेट सेल का, तो कितने सारी हमारे पास 7,000 से और 600 से, तो 7,500 और ये हमारे क्या सेल रिटर्न है मेरे पास कितने से 600 से। क्लियर बात है। अब जो पेमेंट वगैरह हुई होगी वो अपीयर करूंगी यहाँ पे, सबसे पहले पेमेंट हो कितने से रही है मुझे, अब मैंने बेचा किस किस को है, मैंने ML को, MB को, JS को, डेटा के नाम लिखे हुए स्पेसिफिकली मेरे पास, डेटा कौन कौन से मेरे पास, एक ये डेटा है और एक ये डेटा है, ये डेटा है और ये डेटा है। अच्छा एक डेटा जो है मेरे पास ML जो है उसने क्या किया, नेट ऑफ 5% डिस्काउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट है, क्योंकि देखो ML जो गया है ऊपर भी क्या सेल्स है बुक में, नहीं समझे इसने मुझे आशा है पैसे वापस दे दूंगा बाद में, पैसे जल्दी देने की वजह से मैंने इसको डिस्काउंट दिया 5% का, ठीक है तो उसका डिस्काउंट लेना है मुझे। अच्छा इन चारों को प्लस कर लूँ कितना हो गया मेरे पास, 10 1090 प्लस 1710 प्लस 1700 और 1300 5800 बैंक में, बैंक एंड कैश कितना 5800 ठीक है। क्या कोई डिस्काउंट अलाउड है, मुझे हमने अभी बात की थी डिस्काउंट अलाउड कौन से अमाउंट का था, वो 1710 पे था, कितना परसेंट डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, तो मीन 1710 अमाउंट जो है कितना परसेंट के बराबर, 95% के बराबर है, हमें किस पे लेके आना है इसको, 95 के बराबर होगा, 5% डिस्काउंट मिला तो 5% डिस्काउंट आ जाएगा, कितना अमाउंट आ रहा है, तो 10 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 0.95 90। क्लियर बात मेरी। अब सीडी बैलेंस आ जाएगा मेरे पास, कोई बैड डेट वगैरह नहीं है इसके अंदर, सीडी कितने से आया मेरे पास, सीडी निकालना पड़ेगा कैलकुलेट करना हमें, 1320 प्लस 7500 माइनस 600 माइनस 500 5800 माइनस 90 2330 तो डेटा का बैलेंस आ गया मेरे पास 2330 वर्किंग नंबर। क्लियर बात है मेरी। अब 9 पे आते हैं, अब 9 पे जो चीज़ें हम लोगों ने अर्न करी हैं, जो जो मैंने क्या करी हैं एक्सपेंसेस हुए मेरे पास, तो देखो सेल हो गई मेरे पास, ये बैलेंसेस हो गई सारे के सारे। अच्छा डिस्काउंट अलाउड कितने से हुआ था मुझे, 90 से, तो डिस्काउंट अलाउड भी लिख लूँ मैं सबसे पहले, डिस्काउंट अलाउड ऐसी चीज़ें हाथ करके इंटरप्रेट कर लो ना भूल जाते हैं, 90 से। क्लियर बात, ये 90 कहाँ से आया, 90 हम दिखा देते हैं कि वर्किंग नंबर 2 में लिखा हुआ है, वहाँ जाके देख लो पूरी, नंबर 10 में ये साइड तो पूरी कवर हो चुकी है हमारे पास, डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड पे आता है, हम लोग क्या लिखा है सबसे पहले, रिपेयर मेंटेनेंस लिखा हुआ है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 130 से, कोई इसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ मुझे, रेंट अप्रूव दिया हुआ है ना। अच्छा इन्वेंट्री हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, रिटर्न इन्वर्ट भी हो चुका है, इन्वेंट्री हो गया, सैलरीज बची है, सैलरीज कितने सारी है मेरे पास, 250 से सैलरीज, इस पर कोई डॉट था नहीं, 250 से। उसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग को दो मिनट बाद देखते हैं, अप्रूव रेंट दिया हुआ है कितने से, 420 से, मीन्स रेंट दिया हुआ 420 से, और आपको क्या करना है नीचे, रेंट की पेमेंट हुई है कितने से, 420 से, रेंट की पेमेंट कितने से हो रही है, 420 से पेमेंट हो रही है, तो ओपनिंग में कितना बैलेंस पड़ा है आपके पास, 500 से।
80 क्या होगा, मीन्स पे हुआ या नहीं हुआ अभी तक? अभी तक पे नहीं हुआ, तो 12 पे क्या कर देंगे, रेंट कर देंगे, रेंट पेबल कितने से, 80 से, 80 के से 500 का बैलेंस था जिसमें से 420 क्या अभी तक सिर्फ पे हुए हैं, तो 80 से पे होना क्या अभी बाकी है। 13 पे हम आए और क्या, ये भी सैलरीज भी हो गए थे मेरे पास, अप टू 10 भी हो गया, ड्राइंग बची, ड्राइंग पे कोई डॉट था मेरे पास, ड्राइंग पे डॉट ये था कि मेरे पास जो हुआ है 2 to 5 की इन्वेंट्री होती है, कौन लेके चला गया, ऑनर लेके चला गया, तो ये माइनस करूँ, ये ऐड करूँगा ड्राइंग के अंदर में कि एक ड्राइंग कौन सी हुई है 2 to 5 से, और एक ड्राइंग जो हुई उसने क्या निकाला है, चेक निकाला है 1452 से। क्लियर है? कितना अमाउंट आ रहा है? 1677। इसके बाद कुछ भी नहीं, इसके बाद एक एसेट है हमारे पास, नेट लिख दूं डायरेक्ट में, कितने से 1290 से था एसेट मेरे पास ओपनिंग में, कितने से विड्रॉ हो चुका है 220 से, 225 से विड्रॉ कर लिया मैंने, एक एसेट था मेरा, फिक्स एसेट है मेरे पास, एक बुक में रिकॉर्ड हुआ होता है 1290 से माइनस कर दिया मैंने, कितना 225 से, कितना अमाउंट आ रहा है 1065। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद हम आए कहाँ पे, एक सेकंड, अब तकरीबन सब चीजें हो चुकी हैं, एक चीज रह गई सबसे इम्पोर्टेंट, वो क्या है हमारे पास, कैपिटल। क्लियर बात? अब कैपिटल, कैपिटल के लिए क्या कर लेते हैं, वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग नंबर कौन सी बनेगी हमारे लिए, 3। कैपिटल क्यों कर रहा हूँ हम लोग, कैपिटल का बैलेंस कहीं भी नहीं दिया हुआ मुझे, तो कैपिटल हम सिंगल एंट्री में बना के आ चुके हैं, अगर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है F1 तो हमने सिंगल एंट्री में बनाई थी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से, तो जितने भी एसेट है उसमें तो माइनस करते हैं लायबिलिटी, तो कितना हमारे पास वर्किंग नंबर 3 का नाम लिया मैंने यहाँ पे, ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं, इनको प्लस करो कितना होगा 1290 प्लस 1320 प्लस 2400, इसके अलावा प्लस कर लो कैश और बैंक का बैलेंस भी, कितना है 140 और 490, 140 और 490, और माइनस कर लेते हैं हम क्या चीज 500, कितना अमाउंट आ गया 5140, 5140, तो सब चीज हो चुकी है, सम कर ले आते हैं हम लोग इसको, अगर हम सम करें कितना हो गया, फिर क्रेडिट साइड प्लस कर लो 8760 प्लस 362 प्लस 80 प्लस 5140 14342, और ये साइड कितनी हो गई हमारे पास 1,14,340, दोनों साइड क्या हो गए बराबर हो गए।